रतन टाटा देश के सबसे इलस्ट्रियस बिजनेस टाइकून हैं, जिन्होंने ई कॉमर्स में काफी दिलचस्पी दिखाई है। ब्लू स्टोन स्नैपडील के बाद अब इन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ऑनलाइन फर्नीचर मेजर अर्बन लैडर में भी निवेश किया है। इसी पर और जानकारी लेंगे हम अर्बन लैडर के सीओओ और को फाउंडर राजीव श्रीवत्से। राजीव, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस इन सीएनबीसी आवाज एंड कंग्रेचुलेशन। रतन टाटा अब कंपनी में एक निवेशक के तौर पर जुड़ गए हैं, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और कितना बड़ा मौका है अब अर्बन लैडर के लिए? इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। रतन टाटा इज यू नो इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस लीडर्स इन इंडिया। देयर आर टू रीजंस व्हाई दिस इज अ फैंटास्टिक थिंग फॉर अस। वन, मिस्टर रतन टाटा हिमसेल्फ इज अ बिग आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन, सो जस्ट द काइंड ऑफ इनपुट्स दैट ही कैन गिव फॉर अस ऑन डिजाइन ऑफ आवर फर्नीचर इज जस्ट इमेंस, स्ट्रेटजाइजिंग ऑन द इंडस्ट्री एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दैट। Two, Mr. Ratan Tata has built some of the biggest brands, some of the biggest businesses. The kind of aura he has, it's just something fantastic for us as an early stage business. राजीव, आई एम श्योर कई लोग जानना चाहते हैं और मैं भी काफी इच्छुक हूँ ये जानने कि ये हुआ कैसे, आपने कैसे कन्विंस किया रतन टाटा को अर्बन लैडर के साथ जुड़ने में, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया ई कॉमर्स में, तो आपने उनको अप्रोच किया और ही इज बीन लुकिंग एट योर यू नो वेबसाइट, सीइंग द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू हैव, और उसके बाद उनकी तरफ से ये इनिशिएशन आया। हु टुक द फर्स्ट स्टेप? This was something that was mutual. Our investor ne connect kiya. After that, we met him. He liked us. He liked what we were doing. And then he proceeded on the investment. So I would say it was mutual to that extent. यहाँ से अब अगला पड़ाव क्या रहेगा अर्बन लैडर के लिए, क्योंकि रतन टाटा जिन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर संभाला है और एक बड़े मेंटोर के साथ के तौर पर आपके लिए सामने आएंगे, तो क्या वो चीजें हैं जो आप सीखना चाहेंगे रतन टाटा से गोइंग फॉरवर्ड? हाउ मच कैन ही एड एंड हेल्प दिस कंपनी ग्रो? सवाल यही है। Someone like Mr. Ratan Tata, you have to sort of keep pinging him at different instances of the company's growth. We are growing at a rapid rate. We are growing 5 to 10 times every year. And to get inputs from someone like him who has seen different aspects of business, building brands in India, building companies in India, he just brings a lot of personal expertise on different fronts. And that's something that's, you know, a big value adds to young entrepreneurs like us, because, you know, a lot of what we are seeing is new for us. And that's something that we will keep talking to him at different aspects of our journey as we go along. Immediate तौर पर शॉर्ट टर्म में आप वो किन लैंडमार्क्स तक पहुंचना चाहेंगे, क्योंकि अर्बन लैडर एक बहुत प्रोमिनेंट ब्रांड बन गया है, देश का बच्चा बच्चा मेट्रो में इसको जानता है, अब इस जर्नी को आगे कैसे ले जाएंगे आप? The way we are looking at the next 6 to 12 months is to become the largest furniture company in India. Revenue wise, that is around 250 crores per year revenue. उसके बाद होम डेकोर में लार्जेस्ट कंपनी दस अराउंड 500 करोड़, सो दैट्स आवर गोल फॉर सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर। सो इन द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ्स स्केल एंड ग्रोथ इज अ बिग एस्पेक्ट ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। इन दैट वी आर आल्सो ट्राइंग टू बिल्ड अ मैसिव ब्रांड अर्बन लैडर अक्रॉस इंडिया, एंड ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग इज गोइंग टू बी अ बिग एरिया ऑफ फोकस फॉर अस टू मेक श्योर दैट दिस इज अ ब्रांड दैट इज नोन बाय अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया। Three is technology in terms of making sure that all of this happens over the e-commerce channel, selling furniture, selling sofa sets across you know the different aspects, different cities in India on e-commerce is not an easy thing to do. So that's something that we will invest a lot in technology. Along all of this, the main aim for us is to grow the team on all of these different aspects to make sure that the team is well entrenched to be able to do some of these very big goals for us. आपने इनफैक्ट राजीव हाल ही में कुछ फंड्स रेस किए आते द फैक्ट दैट रतन टाटा इज आल्सो इन्वेस्टेड इन द कंपनी, लेकिन क्या इस लैंडमार्क जो 250 करोड़ का आप टर्नओवर की बात कर रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए आपको और फंड्स की जरूरत होगी, उस लिहाज से किसी से अब भी बातचीत चल रही है क्या? वी हैव रीजनेबल फंड्स दैट वी हैव रेस्ड फ्रॉम द लास्ट राउंड। हमने जुलाई में 20 मिलियन रेस किया स्टेट व्यू और आवर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से। There's a lot of money left from that round, and we don't need immediate money. In terms of using that funds, we are expanding our product range. We'll have 3x the number of products in our catalog in the next 5 months. We are also expanding to more cities. We are only in 7 cities today. Hum 15 cities mein hoga March mein.
brand or marketing in terms of reaching out to more people through TV, through radio, that's something that we have expanded on. Just to do that, I think we have enough funds right now, and that's something that we will look up probably in the March time frame if we need more funds to expand towards September. जब भी हम ई-कॉमर्स कंपनियों से बात करते हैं जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ऑफ सॉर्ट्स आती है कि प्रॉफिटेबिलिटी कितने दूर है और हमने देखा है आपके जो यू नो पियर्स हैं फ्लिपकार्ट स्नैपडील जैसे मार्केट प्लेसेस आर नॉट रियली टॉकिंग अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी तो आपका यहां पर पर्सनल ओपिनियन क्या है आर यू लुकिंग फॉर दैट नंबर ऑफ टर्निंग ब्लैक एंड ऑफकोर्स हाईली प्रॉफिटेबल या फिर आपका भी फोकस वॉल्यूम्स पर रहेगा बिजनेस को बढ़ाने पर रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी पर नहीं ई-कॉमर्स अभी भी स्मॉल पार्ट है कॉमर्स में अभी हमारा फोकस है स्केल और ग्रोथ व्हेन यू आर ग्रोइंग एट 5 to 10 times एवरी ईयर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली स्विच ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी हैट ऑल्सो सो राइट नाउ सिंस आवर फोकस इन द नेक्स्ट एटलीस्ट 1 to 2 years इज स्केल एंड ग्रोथ वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट बैक इन टू द बिजनेस एंड मेक श्योर दैट वी आर बिल्डिंग अ बिजनेस in a sustainable way. Profitability is something that after a particular scale, maybe after we are at least 2 to 3 times the largest furniture business, 2 to 3 times the size of the next big business, then is probably the time to think of profitability, not right now. राजीव मेरा आखिरी सवाल है एंड आई एम गोइंग बैक टू रतन टाटा क्योंकि आपने कहा वो खुद एक आर्किटेक्ट है डिजाइन में काफी इंटरेस्ट रखते हैं तो क्या इन द फ्यूचर हम अर्बन लैडर पर एक रतन टाटा की लाइन भी देखेंगे मे बी समथिंग दैट ही थिंक्स ऑफ एंड देन यू गो बैक टू योर ड्रॉइंग बोर्ड डिजाइनर्स के साथ काम करके एक खास सेगमेंट उस लिहाज से Maybe. Let's see how this goes. We are always open to working with a lot of young designers and old designers alike. And in terms of as long as we have fantastic designs, we're absolutely open to anyone. And why not Mr. Tata? Shukriya Rajiv and thanks for taking time out. Main puri team ko Urban Ladder ki wish karna chahungi. All the very best is bahut badi achievement ke liye. Thanks for joining us. Thank you. इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक लेकिन आप बने रहिएगा सीएनबीसी आवाज के साथ चल लौटेंगे